सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जय गेमर यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में आप सभी को एके ड्रैगन को मैंने कैसे परमानेंट निकाला इसकी जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको परमानेंट ट्रिक के वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो गाइस, देख सकते हैं कि हमारे पास 5 एके ड्रैगन के क्रिएट हैं, और यहाँ पे जो फायर वाले M10 है उसे भी मैंने परमानेंट निकाला है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ग्रीन वाली स्कार है इसे भी मैंने परमानेंट निकाला हुआ है, यानी कि यहाँ पे जितने भी गन है उसको मैंने परमानेंट निकाला था। और आप सभी देख सकते हो कि मिस्ट्री शॉप से एक मैंने वॉचर लिया था, और उसी एक इंक्यूबेटर वॉचर से मैंने ये ब्लूप्रिंट निकाला। तो मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड किया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे एक स्पिन में ब्लूप्रिंट को निकाला था। तो एके ड्रैगन परमानेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा गन वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे गन वाले सेक्शन में आ जाने के बाद आपका जो भी गन स्किन है उसे आपको हटा देना है। तो देख सकते हैं कि मैंने गन स्किन को हटा दिया है। फिर जाना है आपको पेट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी पेट है उसे आपको हटा देना है, जैसा कि मैंने हटा दिया। फिर जाना है आपको करेक्टर्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको एडम को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, देख सकते हैं कि मैंने एडम को ले लिया। फिर जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जाना है आपको डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्मूथ कर लेना है। गाइस, आप सभी को मैं बता दूं कि मैं घर के बाहर हूँ, और बाहर बहुत ही ज़्यादा नॉइस है, तो आप नॉइस को थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा, यानी कि इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको ट्रेनिंग ग्राउंड को स्टार्ट कर लेना है। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूँ कि इस ट्रिक को फॉलो करके मैंने एके ड्रैगन को पहले ही परमानेंट निकाल लिया था, जैसा कि आप सभी ने आगे देखा होगा। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद आपको अब क्या करना है, तो चले जाना है इस वाले बॉक्स में, और यहाँ से आपको ले लेना है एके ड्रैगन को। तो मैंने यहाँ से 2 एके गन ले ली। फिर मैंने यहाँ से पेन का को भी ले लिया। फिर जाना है आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको 5 इनहेलर को ले लेना है। तो आपको सिंपल सा 5 इनहेलर लेने के बाद चले जाना है बैटल ग्राउंड में। तो देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ कम्बो जोन में, और यहाँ पे आपको 5 किल करने हैं। तो गाइस, 5 किल करने में हमें काफ़ी समय लगा था, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बड़ी वीडियो देखना ना पड़े। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसे फास्ट कर दिया। तो आपको भी 5 किल करने हैं। जैसे ही आपका 5 किल पूरा हो तो उसके बाद आपको क्या करने हैं आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। बट देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 4 किल हो चुका है, और 1 किल हमें करना है। तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 5 किल हो चुका है। 5 किल होने के बाद आपको यहाँ से सिंपल सा बैक हो जाना है। तो चलिए, मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे टारगेट रेंज में आ चुका हूँ। यहाँ पे भी आने के बाद आपको सिंपल सा बैक हो जाना है। तो देख सकते हैं कि मैं बैक हो चुका हूँ, और आ चुका हूँ मैं गेम के लॉबी में। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आपको चले जाना है स्टोर में। स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है और मोरी में, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। आपको जो भी एके की गन के क्रिएट दिखे उसे आपको एक बार टैप करना है। तो चलिए, मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ। अभी तक हमें एके का कोई भी स्किन नहीं दिखा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एके ड्रैगन का स्किन दिखा। तो यहाँ पे आपको परमानेंट पे
10 से 15 बार टैप करने हैं, फिर कुछ इसी तरीके से करना है, फिर आपको यहाँ पे 10 से 15 बार कर लेने हैं। देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से करना होगा। तो देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पे दूसरे वाले गन को एक बार टैप कर लेना है। इतना करने के बाद आपको कुछ इसी तरीके से स्क्रॉल करते रहना है। तो देख सकते हैं कि अब कोई भी स्किन नहीं बचा हुआ है, तो आपको यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको चले जाना है लक रॉयल में। लक रॉयल में जाने के बाद आपको चले जाना है गोल्ड रॉयल में। बट मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे कल केवल एक ही इंक्यूबेटर वाउचर में मैंने ब्लूप्रिंट निकाला, कैसे निकाला और क्या 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 इस वीडियो के बाद, आप उस वीडियो को एक बार जाके जरूर देख लेना। तो गाइस यहाँ पे आपको 5 स्पिन कर देने हैं। तो देख सकते हैं कि ये हमारा 3रा स्पिन है और ये हमारा 4था स्पिन है। इसके बाद हमें यहाँ पे 5 स्पिन करने हैं। स्पिन करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है और यहाँ पे जाना है वर्ल्ट वाले सेक्शन में। वर्ल्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है जहाँ पे आपका गन के क्रिएट हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 क्रिएट हैं। तो आपको 10 से 15 बार परमानेंट पे टैप करना है, फिर कुछ इसी तरीके से करना है। इतना करने के बाद चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अब भी परमानेंट एक ड्रैगन मिल चुका है, यानी कि हमें परमानेंट गन स्किन मिलने के बाद भी एक बार फिर से मिल चुका है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो जरूर करना। इसी ट्रिक को फॉलो करके मैंने पहले ही एक ड्रैगन को परमानेंट निकाला था, फिर हमारे पास 5 क्रिएट बचे हुए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को न्यू वाली ट्रिक बता दूँ। तो देखा कि मैंने जैसे पिछली बार ट्राई किया था उसी ट्रिक को फॉलो किया, तो हमें यहाँ पे फिर से एक ड्रैगन परमानेंट मिल चुका है। तो आप इस ट्रिक को एक बार फॉलो जरूर करना। अगर आपके पास एक ड्रैगन के क्रिएट है, अगर आप भी चाहते हो कि हमें एक ड्रैगन का एक ड्रैगन परमानेंट मिले, तो गाइस देख सकते हो कि ये ट्रिक काम कर रहा है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले अपडेट इसी तरीके से मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।